बुढ़ापे में पश्चाताप करके चंद्रोदय के अपने हाल पे छोड़ देंगे। मैं गुरुदेव से पूछना चाहूंगा कि पश्चात संस्कृति का अनुकरण करते करते क्या आप पेशवा की बजाय हाथ मारने लगेंगे? आपके बजाय दुग्ध संबोधित करेंगे, आपके बजाय दुग्ध संबोधित करेंगे, उनका आदर करना भी छोड़ देंगे। चलो पश्चात संस्कृति का अनुकरण करते करते हमने पेंट शर्ट पहन लिए, महिलाओं ने भी हमें धोती कुर्ता सलवार त्याग दिए, यहाँ तो उचित है। लेकिन उनसे पूछिए अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या वे अपने बुढ़े गुरुजनों को पेशवाइश के बजाय हाथ मारने लगेंगे? आपके बजाय दुग्ध संबोधित करेंगे, उनका आदर करना भी छोड़ देंगे? भारतीय संस्कृति ने लज्जा के नारी का कहना माना है, महिलाओं और आदमियों को भी अपने आधुनिक कपड़े त्याग देने चाहिए। मदर्शी बनाना हमारी संस्कृति नहीं है। अपने पिता के वचन के लिए भगवान श्री राम ने तो 14 वर्ष का वनवास ही दे दिया। श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाई। गुरु दक्षिणा के नाम पर एकलव्य ने अपना मुंडा ही दान दिया। आज भी अगर किसी को कुछ हो जाता है, उसके मित्र, उसके पड़ोसी, परिवार वाले और बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। क्या ये सब पश्चात संस्कृति में संभव है? अब अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी भी संस्कृति को अपने आचरण में लाने से पहले उसका मूल्यांकन करना चाहिए, फिर उसका विवेक अनुसार अनुकरण करना चाहिए। पश्चात जगत की संस्कृति हमें अपनी ओर खींच सकती है, लेकिन हमारे संस्कारों को नहीं बदल सकती है। हम भारतीय संस्कृति का अनुकरण इसलिए ही करते हैं क्योंकि हमें उसका गर्व है, वह हमारा स्वाभिमान है। धन्यवाद।